हेलो एवरीवन, दिस इज हृदय रक्षा। वंस अगेन आपको स्वागत है इस वीडियो पे। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग टेलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन को समझेंगे, और उस वीडियो पे हमने टेलर सीरीज एंड मैकलोरिन सीरीज समझा था, तो यहाँ पर एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है पहला एग्जाम्पल में। सो दैट 1 - x² / 2 लेस देन और इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 - x² / 2 प्लस x^4/24 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है। देखिए तो सबसे पहले अपने करेंगे क्या कि एक्स यहाँ पर लिखा तो गया है कि एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, x इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक, तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे, ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा, और ये बीच का जो है ना वो भी 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो पहले x इक्वल टू 0 के लिए कुछ प्रूव भी नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों सेम हो गए। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोग लेंगे x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। बेसिकली ये भी मैकलोरिन सीरीज मैकलोरिन थ्योरम ही करने वाले हैं, क्योंकि अपने जीरो के आसपास ढूंढ रहे हैं, तो वो मैकलोरिन थ्योरम कहलाएगा। ओके, अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 है और हम लोग टेलर्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो टेलर्स थ्योरम का ये फॉर्मूला हो गया कहाँ पर, जब एक्स इक्वल्स टू 0 लेंगे, और हम लोग क्या किया है, सेकेंड ऑर्डर तक किया है ये चीज, सेकेंड ऑर्डर तक। देखिए f0 एक्स एफ डैश 0, फिर यहाँ पर x - 0 की √2 फैक्टर आएगा, जो बन के आएगा x² / 2, और ये हो गया f" θ x। थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताया गया था, 0 और 1 के बीच में लाए करेगा। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह में लिखा गया कॉस एक्स, एफ ऑफ 0 की जगह में लिखा गया 1, एक्स की जगह में एक्स लिखा जाएगा, एफ डैश 0। अब एफ ऑफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -sin x, और वहां अगर आपने 0 डाल देते हैं तो ये बन जाएगा 0। तो उसको नहीं लिखा गया है, उसको नहीं लिखा गया, सीधा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया x² / 2 cos θ x, x² / 2 cos θ x। तो हमने वो पहले निकाला, अब हमें क्या जानकारी है, हमें जानकारी है cos θ x की वैल्यू, cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, इसका सीधा मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे दूसरे आंसर पे। हाँ, इसका सीधा मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos x = 1 - x² / 2 cos θ x। ठीक है, तो इसका मतलब अपने बोलेंगे, देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जब इसका मैक्सिमम वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा, मान लीजिए, और ये माइनस हो रहा है, मतलब अपने 1 से मैक्सिमम माइनस कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। जब कॉस थीटा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और अगर अपने यहां पर 1 डालेंगे, क्योंकि आगे माइनस हो रहा है, इसका मतलब आएगा 1 से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो जब ज्यादा चीज माइनस कर देंगे तो हमारा जो पूरा रिजल्ट है वो घटेगा। आई रिपीट, जब ज्यादा चीज माइनस करोगे 1 से तो वैल्यू जो आएगा वो घटेगा, कम आएगा, कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - x² / 2। क्यों 1 - x² / 2 मैंने लिखा, क्यों मैंने 1 स्क्वायर बाय 2 लिखा, क्यों, देखिए अब इसको ऐसे समझिए, 1 - cos θ x x² / 2 था। ठीक है, और मैंने क्या कहा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो 1 से ज्यादा चीज माइनस हो जाएगा ना, बात समझ रहे हैं, 1 से ज्यादा चीज माइनस हो जाएगा, तो जो रिजल्ट बन के आएगा, मतलब 1 - x² / 2,
ये तो इससे छोटा होगा क्योंकि हमने ज्यादा चीज माइनस कर दिया है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये वाला आ गया पहला एक्सप्रेशन, ये वाला आ गया पहला एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए कॉस एक्स का एक्सप्रेशन इतना था, ठीक है, कॉस एक्स का एक्सप्रेशन इतना था, ये इससे बड़ा हो रहा है। तो अभी मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x² बाय 2, ठीक है। तो इसको पलट के लिखेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, है ना। तो आप देख सकते हो जो प्रूफ करना था उसका एक साइड हमने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, उसका एक साइड हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोगों को दूसरा साइड भी प्रूफ करना है, ठीक। वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का टेलर्स एक्सपांशन लिखेंगे एट ए इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, देखिए फोर्थ ऑर्डर रिमाइंडर तक जाऊंगा, फोर्थ ऑर्डर रिमाइंडर तक जाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पर अप टू फोर्थ डिग्री चाहिए, ठीक है। तो हमने जब फोर्थ ऑर्डर तक ले लिया इसको, ठीक है, तो कॉस एक्स का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, कॉस एक्स की एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। वन सेकेंड वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं, कॉस जो थीटा डैश, अब थीटा डैश इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऊपर थीटा चूज किया है, तो यहाँ थीटा डैश उसने चूज कर दिया, उतनी सी बात है और कोई कुछ अलग नहीं है। तो कॉस थीटा डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो जी थीटा डैश की वैल्यू 0 से 1 रहता है, आपको पहले भी पता होगा, ठीक। अब अपने क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जहां पर कॉस थीटा डैश एक्स है वहां पर ये वाला जो टर्म है वो प्लस हो रहा है। तो जब इसका आप मैक्सिमम वैल्यू डालोगे और उसको आप प्लस करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम आएगा। आई रिपीट माई पॉइंट, ये चीज प्लस हो रहा है और जब मैं मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा और प्लस हो रहा है तो ये जो रिजल्ट आएगा ना वो मैक्सिमम आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, वो मैक्सिमम आएगा। तो यहां पर क्या किया गया, देखिए जब कॉस थीटा डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 डाला गया तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1 माइनस x² बाय 2 प्लस x² बाय 24, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये किसका एक्सप्रेशन था, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला कॉस एक्स का था। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को बस कंपेयर करना है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन, इसको कुछ दे दोगे ये और ऊपर में जो निकला था ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपका ये बन गया, आपका ये बन गया। और इसी तरह ये हमने प्रूव करा और ये एक एप्लीकेशन हो गया टेलर्स थ्योरम का। सिमिलरली आपको साइन एक्स को भी कर लेना है, पूरा डिटो सेम टाइप का नंबर है, इम्पोर्टेंट भी है, आप ये खुद कर सकते हैं, छोटा सा होमवर्क ये भी रहेगा आपके लिए। तो आप वो दो ठो हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल 3 भी आप करेंगे, ये दे रखा है, आप ठीक से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप करना है, ठीक है। मिनिमम आपको 3 नंबर करना है एज ए होमवर्क, उसके बाद आप जब वो खाली टाइम होगा तो ये सब नंबर को भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ये सब नंबर को भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा। क्यों, ये मैकलोरेंस थ्योरम यूज करके बस एक्सपांड करना है और लैग्रेंज रिमाइंडर बताना है, ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला आपने बनाए थे मैकलोरेंस थ्योरम का वो फॉर्मूला पुट कर देना है। मैकलोरेंस थ्योरम यानी इतनी सी याद रखो कि जो टेलर्स थ्योरम बनाए थे उसका जो ए था बस 0 लगा दोगे तो वो मैकलोरेंस थ्योरम बन जाता है। तो लैग्रेंजेस रिमाइंडर के साथ ये सब जो फंक्शन है उसका एक्सपांशन आपको करना है, आप ये ट्राई कर सकते हो। इनकेस फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत सारा नंबर्स दिया गया है और अच्छा अच्छा नंबर दिया गया है, तो आप वो सभी नंबर को ट्राई करिए, ठीक है ना, वो सभी नंबर को ट्राई करिए, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको आप करिए। सो दीज आर ऑल व्हाट एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम।
ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आपको सिलेबस दोबारा दिखा देता हूँ। सिलेबस में अपना क्या बचा है, टेलर्स थ्योरम टू कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा, इसको मैं साथ में बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि बाकी सब देख सकते हैं, ये सारा चीज आपने कंप्लीट कर दिया, सारा चीज कंप्लीट कर दिया। बस ये कॉन्वेक्स फंक्शन क्या है थोड़ा बताना पड़ेगा, उसमें टेलर्स थ्योरम यूज कैसे होता है बस वो एक एग्जाम्पल दे देंगे, और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है आप वो ऑलरेडी प्लस टू में पढ़ चुके हो, तो आई होप वो आपको आता होगा। फिर भी एक आध नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे उसका देख लेते हैं। ओके सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय 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 बाय।